वो शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप, तो शिक्षा का जो संवैधानिक स्वरूप है, इस संवैधानिक स्वरूप ये हमारा बीटीसी जो है सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा विषय है वो प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास है। प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास ये हमारा जो है पेपर है या विषय है। इस पेपर के तहत मैं आप सबके समक्ष जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप या प्रारंभिक शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप क्या है, इसमें देखते हैं कि इसे प्रारंभिक शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप क्या था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय ब्रिटिश अंग्रेजों के अधीन था। जस्ट उसी के बाद ये 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसी के बाद जो है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में कुछ संवैधानिक संशोधन या कुछ संवैधानिक स्वरूप उसमें दिखाई देना प्रारंभ कर दिया। अगर हम जो है शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप को जानने से पहले अब क्या है संवैधानिक, संवैधानिक मतलब संविधान में किस तरीके से शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए जो है शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप ये हमारा टॉपिक है तो हम चर्चा करते हैं। संवैधानिक का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन से है या संविधान से है। संविधान में जो शिक्षा के संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए या प्रारंभ में शिक्षा के संदर्भ में क्या अप्रोच दिखाई देते रहे हैं छात्रों, तो अब इसके संदर्भ में जो है प्रारंभिक शिक्षा का एक जो संवैधानिक स्वरूप है तो हम सर्वप्रथम इसमें जो है संवैधानिक का जो मतलब है वो संविधान में या संविधान के द्वारा शिक्षा के संदर्भ में क्या जो है कुछ बातें कही गई है, क्या क्या ऐसे आर्टिकल हैं जो कि प्रारंभिक शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। तो अब हम इसमें जो है पहली बात जो हमारा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप, तो इसको बताने से पहले तो हम चर्चा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान होता क्या है। संविधान में किस तरीके से जो है प्रारंभ में जब शिक्षा के संदर्भ में क्या व्यवस्था किया गया है, क्या क्या चीज़ों को लागू किया गया है, तो अब हम देखिए तो यहाँ पर हम पहले जो टॉपिक हम चालू करते हैं संविधान के बारे में। संविधान क्या है अब इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखें संविधान शब्द अगर इसमें देखें तो दो शब्द कह सकते हैं, इसको अगर संधि विच्छेद करें तो संविधान, सम माने क्या होता है बराबर या जो उचित रूप से विधियों पर, उचित रूप से विधि पर जो आधारित विधा होती है उसी को हम एक संविधान की संज्ञा दिया गया है। जैसा कि संविधान जो निर्मात्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का फॉर्मेशन किया, अगर इसके बारे में देखें तो जो संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष जो डायरेक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद, जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी के बाद से ही जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में वो जाने लगे थे। और जैसा कि इसके पहले जो है संविधान सभा जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ उसी के बाद जो संविधान सभा का निर्माण 1946 की बात करें तो हमारे संविधान सभा का जो निर्माण अगर बात करें तो जैसा कि संविधान सभा का फॉर्मेशन का कार्य प्रारंभ हुआ गया। और इसी के तहत देखें तो संविधान सभा का जो है इसमें अस्थायी अध्यक्ष आते हैं, तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के विषय में बात करें तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थाई थे। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम अस्थाई के विषय में बात करें तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है जिनका संबंध बिहार राज्य से था। तो अगर इसके बारे में देखें तो संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें छात्रों समय लगा था। तो संविधान में एक प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में या भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है जो कि प्रारूपी समिति के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अब देखें संविधान सभा का जो है भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को बिल्कुल बनकर रेडी हो गया था। अगर इसके बारे में देखें 26 नवंबर 26 नवंबर
1949 को संविधान को स्वीकृति मिली, भारतीय संविधान को इसमें स्वीकृति मिलने का कार्य किया गया, भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली। और इसी के आधार पर जो है अगर देखा जाए तो जो है संविधान प्रारंभ में मूल संविधान में जो आर्टिकल थे प्रारंभ में भारतीय संविधान या मूल संविधान में 395 या आर्टिकल 395 थे। और उसके बाद जो है अनुसूची के विषय में बात करें तो अनुसूची जब हमारा देश आजाद हुआ या मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 68 थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया वो उस समय 8 था, लेकिन एट टाइम देखें या प्रेजेंट टाइम अगर देखें तो इनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर कुल कितनी हो गई, छात्रों 12 हो गई है। तो 395 आर्टिकल हो गए और यहाँ पर 8 की जगह वर्तमान में कितना है, 12 जो है अनुसूचियाँ। अगर देखें तो अगर आर्टिकल के विषय में अगर हम बात करें तो अब वर्तमान समय में देखें तो आर्टिकल की भी संख्या जो है 395 से बढ़कर 443 से 443 इनकी संख्या है, उसे करीब मानी जाती लगभग में। और इसमें जो है इसमें अगर देखें तो 12 जो अनुसूचियाँ विद्यमान है। अगर देखें तो कैपिटल तो ये था हमारा संविधान की रूपरेखा। अगर देखें जैसा कि संविधान की रूपरेखा के विषय में बात करें तो इसमें पहला प्रिम्बल आता है, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की प्रस्तावना जैसे बात करती है तो संविधान की प्रस्तावना में बात ये कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। नंबर जो अगला आता है संपूर्ण अखंडता, अभेदता, अविभाज्यता, तो ये सारी बातों को उसमें रखा गया है प्रस्तावना प्रिम्बल में। तो ये हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बातें कहा गया है। तो अब देखें हम जो है कि संविधान के बारे में मैंने बताया कि संविधान शब्द यह अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है। जो अगर संविधान के विषय में बात करें तो भारतीय संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है तर्ज पर इस संविधान को बनाया गया। अगर देखा जाए तो विश्व का ऐसा भारत का संविधान है जो बृहत या विशाल संविधान की श्रेणी में आता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बृहद एवं विशाल जो है संविधान की श्रेणी में इसको लाया गया है या विश्व का सबसे बृहद संविधान माना गया है। अगर इसके बारे में देखें तो मैं आपको बता दें कि संविधान के बारे में कि संविधान होता क्या है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो इसमें जो है राजनीति शास्त्री अरस्तू का विचार आता है। तो जो अरस्तू थे उन्होंने जो है संविधान के बारे में क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है छात्रों संविधान जो होता है आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था होती है। संविधान क्या है, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की एक व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अब अरस्तू की बात आता है, गिलक्राइस्ट का नाम आता है, जो दूसरी डिफिनेशन आती है गिलक्राइस्ट। तो जो गिलक्रिस्ट या गिलक्राइस्ट के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का एक संग्रह है। संविधान क्या है, यह लिखित एवं जो अलिखित नियमों का एक जो है संग्रह है जिसमें जो सभी प्रकार के नियमों को बांधा गया है। और गिलक्राइस्ट के बाद आगे आते हैं संविधान, कुछ थिंकर ने यह बताया है कि संविधान उस पद्धति का प्रतीक है। संविधान क्या है, संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य सरकार ने अपने लिए इसका फॉर्मेशन किया है या इसको अपने लिए जो है बनाने का कार्य छात्रों किया है। तो ये था मैं आपको जो है संविधान के बारे में बताया। जैसा कि इसके पहले ही मैं आपको बता दिया छात्रों कि संविधान का फॉर्मेशन करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान में कुल प्रारंभ में या मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और उसमें जो है प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ पाई गई। लेकिन अगर एट टाइम देखा जाए तो इनकी संख्या दोनों में इजाफा हुआ है। तो इसमें जो आर्टिकल हैं वो 443 से 443 हो गए हैं और यहाँ पर जो अनुसूची है या शेड्यूल कहा जाए तो इसमें जो 8 से बढ़कर 12 हो गई है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ
उस समय जो है संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और अस्थायी विषय में बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये मैं आप लोगों को बताया कि जो कि ये संविधान से संबंधित थे, जो कि संविधान के संदर्भ में अपने विचार, यानी कहने का मतलब जो ये शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप है, तो पहले हम संवैधानिक स्वरूप का अध्ययन करने से पहले संविधान होता क्या है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं कि जिसमें कि शिक्षा के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, अभी मैं इन सब के बारे में जिक्र करूंगा। क्या इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि शिक्षा के संवैधानिक स्वरूप को स्पष्ट करने का वो प्रयास किया है या किए हैं। अब देखिए तो मैं आपको संविधान के बारे में बताया हूँ। अगर देखें तो संविधान को मुख्यतः दो तरीके से इसमें बांटा गया है संविधान को, और एक होता है संविधान को दो तरीके से बांटा गया, पहला कठोर संविधान और एक दूसरा क्या कह सकते हैं बोलो लिखित संविधान कह सकते हैं, अला एक कठोर संविधान कह सकते हैं और जो दूसरा है जो लचीला कह सकते हैं संविधान है, उसको जो दो भागों में इसको हम डिवाइड या जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखें संविधान के बारे में आपको बताया, इसमें जो अरस्तु की डिफिनेशन बताया, अरस्तु के बाद फिर गिलक्रिस्ट का नाम आता है। तो ये सभी हैं जो कि संविधान के संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त किया है। अब देखें छात्रों, अब संविधान के बाद मैं आपको जो है संविधान की क्या विशेषताएं पाई गई हैं, क्या विशेषताएं होती हैं संविधान की, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फीचर विशेषताएं, विशेषताएं क्या होती हैं संविधान की, पहले अब देखें इनकी जो विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताएं में देखा जाए विशाल, विशाल विशाल या विस्तृत, विशाल या विस्तृत प्रलेख कह सकते हैं, विस्तृत विशाल या बृहद कह सकते हैं या विस्तृत प्रलेख कर सकते हैं, और इसी क्रम में देखें तो जो दूसरा आता है वो लिखित संविधान आता है छात्रों। जो दूसरा जो है विशेषताएं या भारतीय संविधान विशेषताएं होती है वो लिखित क्या है छात्रों, संविधान हो गया। तो अब लिखित संविधान इसे कहते हैं जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो लिखित संविधान के बाद आगे हमारा थर्ड नंबर आता है संसदीय, आगे संसदीय शासन प्रणाली आता है छात्रों, संसदीय शासन प्रणाली। तो अब देखें ये सब पहले जान लेते हैं कि ये इसकी विशेषताएं हो गया, पहला मैंने विशाल या बृहद कह सकते हैं, विस्तृत प्रलेख कह सकते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है लिखित संविधान आता है, फिर जो तीसरा थर्ड पॉइंट है संसदीय, संसदीय शासन प्रणाली हो गया। अब संसदीय शासन प्रणाली के बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं छात्रों, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए। फिर अब राज्य के नीति निदेशक तत्व के बाद आगे जो हमारा पांचवा पॉइंट आता है वो मूल अधिकार हो गए छात्रों, मूल अधिकार हो गए। फिर मूल अधिकार के बाद आगे आता है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के बाद मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं, मूल अधिकार मूल कर्तव्य हो गए। फिर इसी के बाद जो है नम एवं अनम का अनोखा सम्मिश्रण, नम एवं अनम का अनोखा सम्मिश्रण। आप देखें इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो इसमें ये कहता है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र
न्यायपालिका हो गया। अब इसी क्रम में देखें आगे आता है संविधान की सर्वोच्चता आती है, संविधान की सर्वोच्चता। अब संविधान की जो सर्वोच्चता के बाद आगे हमारा जो पॉइंट आता है संविधान की सर्वोच्चता आती है, फिर संविधान की सर्वोच्चता के बाद आगे क्या आता है छात्रों, आगे जो है एकल नागरिकता आती है। एकल नागरिकता हो गया। फिर इसी क्रम में आगे जो आता है हमारा वयस्क मताधिकार आता है, वयस्क मताधिकार हो गया, एकल नागरिकता हो गया, वयस्क मताधिकार हो गया। और इसके बाद क्या आता है ग्राम पंचायत की स्थापना हो गया छात्रों, ग्राम पंचायत की स्थापना हो गया। अब ग्राम पंचायत की जो स्थापना की बाद आगे हमारा नंबर थर्ड या इसमें ग्राम पंचायत हो गया। उसके बाद जो है लोकतंत्र की स्थापना या लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना। और ये जो है 13 पॉइंट कम से कम है। अब इसके बारे में अब आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या होते हैं ये, इसको किस ढंग से, जैसा कि देखें ये पहला मैंने आपको बताया कि जो हमारा भारत का संविधान है वो बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि जो भारत का संविधान है बृहद या बिल्कुल विशाल संविधान की श्रेणी में माना गया है, क्योंकि इसमें जितना आर्टिकल भारतीय संविधान में है उतना आर्टिकल अभी आज तक किसी भी देश के संविधान में नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें मैंने आपको जो बताया कि 300 जो है कितना आर्टिकल है 395 अनुच्छेद एवं जो है 8 अनुसूचियाँ थी प्रारंभ, या इस समय देखें 443 12 अनुसूचियाँ, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर इतने आर्टिकल या अनुच्छेद पाए गए हों। तो इसीलिए यह कह सकता है कि भारत का संविधान एक बृहद या विशाल संविधान की श्रेणी में आता है। तो अब देखें तो इसमें विस्तृत प्रलेख, और इसी क्रम में देखें जैसे विस्तृत यानी कहने का मतलब वही है कि विशाल है, विस्तृत रूप से लिखा हुआ विस्तृत प्रलेख है यानी बहुत बड़े रूप में इसमें लिखा जोखा जो आर्टिकल है उसी का लिखा हुआ इसमें सार पाया गया है। अब देखें तो विस्तृत जैसे कि या विशाल जो है प्रलेख के बाद आगे आता है लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता वो है कि इसमें जो कुछ है वो प्रायः इसमें लिखे हुए हैं, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि न लिखे गए हों। इसीलिए यह कहा गया है कि यह जो क्या है लिखित संविधान की श्रेणी में इसको देखा जाता है, या तो लिखित संविधान की श्रेणी में ये आता है। अगर लिखित संविधान के विषय में देखें तो ये जो लिखित संविधान है वो भारत का संविधान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर इस जो है देश ने लिखित संविधान या जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अपनाने का जो है कार्य किया है। अब देखें तो लिखित जो है संविधान के बाद अब आगे आता है जो है संसदीय, जो है लिखित संविधान के बाद जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब लिखित संविधान के बाद आगे आता है संसदीय शासन प्रणाली। अगर देखा जाए तो अब संसदीय जो शासन प्रणाली है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि भारतीय जो संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ये संसदीय जो है शासन प्रणाली को भारत ने ब्रिटेन देश से इसको अपनाया था। कहाँ से अपनाया? ब्रिटेन देश से जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली की जो स्थापना होती है इसमें ये बताया गया है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका में पराया इसमें भेद पाया गया है। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो अब देखें
तो संसदीय शासन प्रणाली के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब संसदीय शासन जो प्रणाली के बाद आगे आता है, इसमें वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार इसमें जो है, अब इसके बाद तीन के बाद फोर्थ में जाते हैं हम। जैसा कि जो है संसदीय शासन प्रणाली के बाद जो हमारा फोर्थ नंबर में आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। अब देखें, आप लोग दिमाग में ये बातें आती होगी कि राज्य का नीति जो निदेशक तत्व क्या है, किसको कहते हैं नीति निदेशक तत्व। अब इसके बारे में भी आप लोगों को हम बता रहे हैं कि नीति जो निदेशक तत्व होते हैं वो राज्य को जो है वो निर्देशन जो है देने के लिए सहायता करते हैं। अब देखिए, राज्य की जो नीति निदेशक तत्व हैं, ये आर्टिकल जो है किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल जो है राज्य का नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, आर्टिकल या अनुसूची जो है चार के तहत जो है भाग चार के का मूल अधिकार मूल कर्तव्य जैसा है, तो ये भी है उसी तरीके से जो राज्य का नीति निदेशक जो तत्व है वो आर्टिकल चार के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व को समाहित किया है छात्रों। जैसे छात्रों, इसको बताने से पहले अब मैं आप लोगों को बता देते हैं कि संविधान की जो अनुसूची होती है या अनुसूची या कह सकते हैं इसमें जो भाग कुछ है, जैसे इसमें कुल 12 जो है अनुसूची कह सकते हैं इसमें जो पाई गई है। अब इसमें जैसा कि पहला भाग है, देखिए इसमें फर्स्ट जो है पार्ट है, इसमें कहा गया है कि भारत जो है, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। इसमें क्या कहा गया है छात्रों कि भारत राज्यों का एक संघ है। अब जो दूसरा है नियुक्ति से संदर्भ है, नियुक्ति है जैसे संसद कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हो गया। अब नियुक्ति से संदर्भ, हाँ जो दूसरा होता है कि किस नियुक्ति थे, हाँ किसे संबंधित है, दूसरा नियुक्ति से संदर्भित है या जो है जो अधिकारी होते हैं उसी की जो नियुक्ति से संदर्भित होते हैं। और उसके बाद जो है तीसरा पदाधिकारियों का वेतन है, पदाधिकारी का वेतन से संदर्भित है। इसी तरीके से जो चौथा आता है मूल अधिकार, चौथा जो होता है मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकार को देखा जाए तो मूल अधिकार को भाग तीन में रखा गया है छात्रों, मूल अधिकार को भाग तीन में रखा गया है। इसी तरीके से देखें तो मूल अधिकार को भाग तीन, फिर जो मूल कर्तव्य आता है छात्रों, मूल अधिकार मूल कर्तव्य जो कि चार के भाग नंबर क में भी इसको वर्णित किया गया है। मूल अधिकार मूल हाथ मूल अधिकार को भाग थर्ड में मूल कर्तव्य चार के क में, और उसके बाद जो है जो उसके आगे आता है पांचवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है छात्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। और उसके बाद जो छठा होता है असम मेघालय, छठा जो है असम मेघालय, असम मेघालय आदि जो है प्रांतों के लिए विशेष रूप से लागू होता है। असम मेघालय आदि जो है राज्यों में विशेष रूप से ये लागू होता है छात्रों। तो इसी तरीके से देखें जो चौथा है इसी बात जो है इसी में एक आता है ये राज्य, ये पांचवा जो होता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व आता है। मूल अधिकार मूल कर्तव्य बाद राज्यसभा का प्रतिनिधित्व आता है, फिर उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बनाया गया कानून हो गया, फिर छठा उसके बाद छठा है असम मेघालय हो गया आदि राज्यों के लिए है, फिर सातवां होता है
सातवां जो है केंद्र राज्य के संदर्भ से संबंधित बातें कहा गया है छात्रों। तो इसी तरीके से जो है सात के बाद जो हमारा आठवां आता है भाषाओं से संदर्भित है, भाषाओं से संदर्भित है। उसी तरीके से आठ के बाद जो नौवां आता है वो भूमि सुधार से संबंधित है छात्रों। आठवां भाषा हो गया, नौवां जो है भूमि सुधार से हो गया, फिर जो है दसवां हो गया दल बदल से हो गया, फिर जो है ग्यारहवां जो अनुसूची वो पंचायती राज से संबंधित है, जो बारहवां अनुसूची है वो जो नगर पालिका से संबंधित है छात्रों। तो ये था जो है कुल जो है शेड्यूल या जो अनुसूची है उनकी अनुसूचियों की संख्या है। जो 12 अनुसूची है तो उसमें अनुसूचियाँ पहले भाग में क्या बातें कहा गया इनकी अनुसूचियों में, तो ये जो नियुक्ति हो गया, उसके बाद जो है संसद की जो नियुक्ति हो गया, उसके बाद पदाधिकारियों का वेतन, फिर जो है मूल अधिकार वो भाग 3 में रखा गया, मूल कर्तव्य भाग 4 हो गया, और उसके बाद जो है इसी में जो है चौथा भी एक और है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हो गया। फिर उसके बाद आगे आता है अनुसूचित जाति एवं जजन जाति के लिए बनाया गया आयोग हो गया, असम मेघालय आदि राज्यों के लिए है। उसके बाद जो है मैं आपको बताया कि जो सातवां हमारा होता है केंद्र राज्यों के संबंध या संघीय केंद्र राज्य संघीय राज्यों के संदर्भ में बातें कहा गया है। फिर इसी क्रम में जो है आठवां जो है भाषा के संदर्भ में बातें कहा गया है छात्रों। आठवां जो है भाषा से संबंधित है। फिर नौवां जो है भूमि सुधार से संबंधित है छात्रों। फिर नौवां भूमि सुधार के बाद आगे जो हमारा आता है दसवां दल बदल की राजनीति, जो कि 1985 में इसको करेक्शन करके दल बदल की राजनीति को अस्तित्व में लाया गया था। अब दल बदल की राजनीति के बाद फिर ग्यारहवां हमारा जो पंचायती राज या ग्राम पंचायत की स्थापना के संदर्भ में छात्रों बात करता है। तो इसी के तहत जो है फिर अगला जो बारहवीं अनुसूची या कुछ जो लास्ट में आता है वो नगर पालिका से संदर्भित है, नगर पालिका। तो ये जो है सारे जो है शेड्यूल हैं जो कि अनुसूचियों के विषय में इसमें बातें कही गई हैं। आप देखें अनुसूचियों के संदर्भ में मैं बातें किया भी आ सको। अब इसके बाद जो मैं भी बता रहे थे आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व, अब इसके बाद देखें कि राज्य के लिए एक नीति का निर्माण करने का जो एक एलिमेंट होता है, जो ये तत्व होता है बच्चों, उसी को जो है राज्य का नीति निदेशक तत्व कहते हैं। इसको भी जो है आर्टिकल 4 में या अनुच्छेद 4 के तहत जो राज्य के नीति तत्व को जो है आर्टिकल 4 के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। तो अगर इसके बारे में देखें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व होता क्या है, जो कि राज्य का ये नीति निदेशक तत्व होता है छात्रों, अभी हम इसको गहराई में इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आर्टिकल 36 से 51, जो कि ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 यानी 36 से जो 51 का जो हमारा आर्टिकल है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। अब बात आगे आती है जो है मूल, अब देखें अगर इसके बारे में देखें तो जो राज्य का नीति निदेशक तत्व के विषय में बात करें तो यह जो है राज्य पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है, और जो है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो उद्देश्य होता है तो राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की या जो लोक कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना करने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है राज्य का नीति निदेशक जो है तत्व।
अब इसके बारे में देखें तो मैंने आपको बता भी दिया कि राज्य का नेतृत्व निदेशक तत्व तो केवल ये जो राज्यों के लिए विशेष रूप से लागू होता है, जबकि छात्रों ये अपरिवर्तनीय होते हैं, ये परिवर्तनीय नहीं होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, इसमें कोई भी तत्व को जो है बदला नहीं जा सकता है। तो इसीलिए क्या कहा गया इसको कि यह जो है राज्य का जो निदेशक तत्व है अपरिवर्तनीय है। अब देखें इसी के बाद जो आगे हमारा आता है पांचवा नंबर पर है मूल अधिकार। जो ये मूल अधिकार है छात्रों, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि मूल अधिकार किसको कहते हैं। देखिए मूल अधिकार क्या है, सरकार द्वारा जो है व्यक्तियों को जो दिए गए प्रदत्त या मुख्य जो अधिकार होते हैं उसी को हम मूल अधिकार या उसी को जो है फंडामेंटल राइट के नाम से उसको हम जानते हैं। अब मूल अधिकार का वर्णन जो है, मूल अधिकार का वर्णन भाग तीन के तहत किया गया है। जबकि अब इसके बारे में देखें जो मूल अधिकारों की जो हमारी संख्या होती है छात्रों, वो मूल अधिकारों की संख्या जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय इनकी संख्या 7 थी, लेकिन हुआ क्या कि इसमें अब मूल अधिकारों की संख्या कुल 6 ही है, क्योंकि इसमें एक 44वें संविधान जो है इस संशोधन के द्वारा 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से इसको हटा लिया गया है। और ये कहा गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है यह विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है, और इसको जो है मूल अधिकार की जो है इसमें जो है संपत्ति या इसमें जो है संपत्ति का जो है अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, अब इसे जो संपत्ति का अधिकार जो है 44वें के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1978 में। अब इसको आर्टिकल 300 के धारा नंबर क, 300 के धारा नंबर क में इसको वर्णित किया गया है, जो कि इसीलिए यह जो है प्रारंभ में जो मूल अधिकार थे इनकी संख्या कुल सात थी। प्रारंभ में जो मूल अधिकारों की संख्या कुल 7 थी, लेकिन देखा जाए तो उस समय जो है इसकी संख्या कुल कितना हो गई बोलो, अब इसकी संख्या कुल 6 हो गई है। अब देखें तो मूल अधिकार के विषय में हम बात करते हैं कि मूल अधिकार की संख्या कुल 6 होती है तो इसमें कौन कौन से अधिकार आते हैं। पहला जीवन का अधिकार हो गया, फिर जो अच्छा दूसरा क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, या तो पहला समानता का अधिकार कह सकते हैं, फिर जो दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, फिर जो नंबर थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, फिर जो चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, फिर इसी तरीके से जो है पांचवा आता है शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार हो गया, फिर जो छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर हम इसके जो मूल अधिकार के बारे में अगर देखें तो जो मूल अधिकार है वो हमारा 12 से लेकर 35, जो हमारा ये मूल अधिकार है वो 12 से लेकर 35 में जो है मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। अब ये था, अभी हम साटले में आपको मूल अधिकार के बारे में बता दिया, तो अब मूल अधिकार के बारे में के बाद अब अगला आता है छठा नंबर मूल कर्तव्य आता है। तो मूल कर्तव्य अब किसको कहते हैं, मूल कर्तव्य जिसको बोलते हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। मूल कर्तव्य के अगर बारे में देखा जाए तो मूल कर्तव्य ये संविधान के 42वें जब संविधान संशोधन हुआ था तो वो प्रायः मूल कर्तव्य से ही जुड़ा था, जो कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है ये मूल कर्तव्य से ही संबंधित है। अगर मूल कर्तव्य के बारे में देखें तो इसका जो वर्णन है ये 4 के क,
जो मूल कर्तव्य का जो वर्णन है वो जो है चार के का की अंतर्गत ही इसको जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य जो कि इनकी संख्या जो है प्रारंभ में जो है 10 थी, मूल कर्तव्य की जो संख्या प्रारंभ में 10 थी, लेकिन अगर एट दिस टाइम देखा जाए तो जो मूल कर्तव्य है इनकी संख्या कुल 11 हो गया है। जो अच्छी ग्रामा क्या है आप लोग पूछेंगे कि प्रारंभ में मान चलिए कि इनकी संख्या तो 10 थी लेकिन जो ग्रामा बड़ा है तब वो ग्रामा होता क्या है, तो ग्रामा के बारे में जान लीजिए कि दिसंबर 2002 में छह सौवें संविधान जो है संशोधन के द्वारा 6 से जो 14 वर्ष की आयु के जो बालकों को शिक्षा देने के अधिकार या मुक्त एवं अनिवार्य जो शिक्षा को मूल रूप से ये जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में या मूल कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। तो जो कहा जाए कि जो है मूल कर्तव्य का जो 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा देने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। अब इसके बाद देखें, मैं आपको मूल कर्तव्य के बारे में छात्रों बताया, लेकिन अब ये मैंने बताया कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान जो है संशोधन के द्वारा 1976 में इसको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब इसी क्रम में आगे जो हमारा आता है वो नम्य एवं अनम्य का अनोखा सम्मिश्रण। अगर इसके बारे में देखें तो जो हमारी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नम्य एवं अनम्य के गुणों का भी सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो यही जो है नम्य एवं अनम्य का गुणों का एक अनोखा सम्मिश्रण इसमें दिखाई देता है जो कि क्षमा करने योग्य है। और उसके बाद अगला जो 8वां आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर इसके बारे में देखें तो जो हमारी ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है। जो न्यायपालिका या जो जुडिकियर होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसमें किसी तरीके से कोई प्रेशर व्यक्ति विशेष के द्वारा होना संभव नहीं होता है। तो अगर देखें इसके बारे में तो जो न्यायपालिका होती है ये मुख्य रूप से देखें तो यह जो है न्याय का कार्य करती है। अगर देखा जाए तो जो जुडिकियर है तो इसके बारे में देखें तो जो न्यायपालिका है इसमें अभियोगों का निर्णय करना, जो न्यायपालिका के मुख्य विशेषता है अभियोगों का जो निर्णय करना, कानून की व्याख्या करना, औचित्य के आधार पर संविधान जो रक्षण होता है, यही जो है न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता होते हैं। अगर न्यायपालिका के बारे में देखें तो न्यायपालिका यह जो है सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में जाना जाता है। छात्रों तो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है न्यायपालिका, जिसमें हम आपको बता दें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। तो अगर ये क्या है, लेकिन इन सभी में जो है न्यायपालिका बिल्कुल फ्री होती है या बिल्कुल फ्री है जो कि यह भारतीय संविधान की विशेषता होती है। आप देखें तो जो है ये जो है सरकार का एक प्रमुख अंग है, तो इनके भी जो अंग हैं जिनको कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या हाँ इस तरीके से है कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। तो अब हम देखें तो कार्यपालिका के बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं कि कार्यपालिका किसको कहते हैं। देखिए जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कहते हैं, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, या जो कार्यपालिका की क्या कार्य होते हैं छात्रों। जैसा कि देखें कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है प्रशासकीय कार्य होता है, प्रशासकीय कार्य हो गया, सैनिक कार्य छात्रों, कूटनीतिक कार्य आता है, विधायी कार्य छात्रों इसमें आता है, वित्तीय कार्य हो गए और अन्य भी जो कार्य इसमें आते हैं वे सभी का जो लेखा जोखा कार्यपालिका ही जो है करती है। तो कार्यपालिका के बाद एक व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका हम उसको कहते हैं जो
कि यह व्यवस्था करने का कार्य करती है। तो इसी तरीके से ये जो है ये क्या है, तो न्यायपालिका के विषय में आपको चर्चा कर रहा था कि जो कि ये हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें स्वतंत्र जो है न्यायपालिका या न्यायपालिका इसमें स्वतंत्र होती है, इसमें किसी प्रकार का बंधन या कोई प्रेशर नहीं होता है किसी व्यक्ति विशेष का, जो चाहे जो न्याय दिलाने के कार्य करती है, यही है जो है स्वतंत्र न्यायपालिका। अब आगे आता है संविधान की सर्वोच्चता। अब देखें जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसमें सुप्रीम का गुण पाया जाता है, इसमें सुप्रीम या इसको कह सकते हैं कि सर्वोच्चता का गुण इसमें पाया जाता है, जो कि ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता के रूप में छात्रों ये जानी जाती है। भारतीय संविधान विशेषता क्या होती है इसमें कि संविधान की सर्वोच्चता, इसमें जो संविधान किसी अन्य जो देश या जो अमेरिका के देश से भारत के संविधान को जो लिया गया है उसकी विशेषता यह है कि यहाँ के संविधान बिल्कुल सर्वोच्च है, सुप्रीम है। तो अब इसके बाद आगे आता है, अब इन सभी के बाद आगे आता है एकल नागरिकता आती है। अब एकल नागरिकता छात्रों क्या है कि इसमें कहते हैं सिंगल जो है सिटीजनशिप होता है, तो सिंगल जो है तो सिटीजनशिप जो होता है वो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं के रूप में भी इसको जाना जाता है। जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें जो है एकल जो नागरिकता के गुणों का प्रायः इनमें समावेश पाया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। और इसी तरीके से देखा जाए सिंगल और इसमें जो है एकल जो नागरिकता के बाद आगे आता है वयस्क मताधिकार। अब देखें जो वयस्क मताधिकार है जिसे कहते हैं वोटिंग कहते डेल्टी, हाँ जो वोटिंग कहते हैं, वयस्क मताधिकार के बारे में छात्रों आप लोग जान लीजिए कि वयस्क जो मताधिकार है ऐसे मताधिकार को कहते हैं जो व्यक्ति युवा होकर के अपने जो है मतों का प्रयोग करता है चुनाव में, तो उसी को हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। एक आप लोगों का जो आर्टिकल है 168वां, एक आर्टिकल है 168वां संविधान जो है संशोधन, 168वां संविधान जो है संशोधन के द्वारा ये 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष की आयु में करने का ये अधिकार 168वां संविधान संशोधन को है, जो कि 1989 में ये वयस्क जो मताधिकार की प्रक्रिया को लागू किया गया, जो पहले ये था कि वयस्क मताधिकार हम उसको कह सकते हैं जो बालक 21 वर्ष की आयु को जो है पूरा कर लेते हैं तभी उनको जो है वयस्क माना जाएगा, तभी उनको वोट देने का या मताधिकार करने का पूरा अधिकार होगा। लेकिन हुआ क्या, 1989 में 168वां संविधान जो है संशोधन करके 168वां संविधान जो है संशोधन करके इसकी आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई है, 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। तो यही जो है वयस्क मताधिकार है। अब देखिए छात्रों वयस्क मताधिकार के बाद आगे आता है ग्राम पंचायत की स्थापना। अब देखें तो जो ग्राम पंचायत की स्थापना जो हमारी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें ग्राम पंचायत की भी स्थापना करने का भी कार्य किया गया है। अब ग्राम पंचायत के विषय में देखा जाए तो आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत के विषय में मुख्य रूप से बातें इसमें कही गई छात्रों, जो कि यह है राज्य के नीति जो निदेशक के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है, जो कि राज्य को नीति निदेशक या जो नीति बनाने का कार्य होता है वो मुख्यतः ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। प्रत्येक गांव-गांव में जो है पंचायत या ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन
करना है। अब इसी तरीके से देखें आगे जो आता हमारा है लोकतंत्र की स्थापना, जो भारतीय संविधान के विषय में अगर हम छात्रों बात करें तो जो हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ये होती है छात्रों कि इसमें लोकतंत्र की भी स्थापना की गई है। अब देखें आप लोगों के जहन या दिमाग में बातें आती होंगी कि लोकतंत्र, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ छात्रों अन्य भी क्लास में जो ऑनलाइन हमारा चल रहा है तो उसमें मैं डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि देखिए मैंने भी इसके बारे में बताया कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है कि यह जो है लोकतंत्र की भी स्थापना करने का कार्य करता है। अब देखें तो इसमें जो लोकतंत्र होता क्या है कि लोकतंत्र जैसा कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है लोक धन तंत्र, यानी लोगों का जो शासन होता है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है छात्रों, तो जो ये डेमोक्रेसी है दो शब्दों से मिलकर बना है जिनको डिमोस कहते हैं और एक का नाम क्रेटा है। तो जो डिमोस का अर्थ होता है शासन से होता है या डिमोस का जो अर्थ होता है जनता से है, क्रेटस का अभिप्राय जो है शासन से है, तो जो ये जनता का शासन है उसी को हम जो है लोकतंत्र के नाम से इसको हम जानते हैं या कह सकते हैं प्रजातंत्र भी कह सकते हैं इनको या जनतंत्र लोकतंत्र इनके कई समानार्थी शब्द हैं। अगर देखें तो जो ये लोकतंत्र है छात्रों तो लोकतंत्र के विषय में अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र है इसके विषय में यह निम्नलिखित दो प्रकार का छात्र होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र निम्नलिखित दो प्रकार का होता है छात्रों, जिनमें एक पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है। पहला क्या आता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जो दूसरा आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है। अब हम लोकतंत्र के विषय में बात करें कुछ जैसे थिंकर हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति अब्राहम जो लिंकन थे उन्होंने जो है इसके संदर्भ में डिफिनेशन दिया है कि जो लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया एक शासन होता है। अब देखें तो लोकतंत्र के विषय में बात करें जिस प्रकार जो है पॉलिटिकल या जो राजनीतिक विचारक अरस्तु हैं उन्होंने ये बताया है कि जो लोकतंत्र होता है ये बहुजनों की एक सरकार के रूप में जानी जाती है। तो अब इसके बारे में देखें तो लोकतंत्र के संदर्भ में डायसी का विचार आता है। डायसी तो डायसी ने ये कहा है कि जो लोकतंत्र होता है ये जनता का एक अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। लोकतंत्र क्या होता है छात्रों? जनता का एक अपेक्षाकृत बड़ा भाग होता है। अब तो यही था जो है लोकतंत्र के बारे में मैं आप सबको बताया, तो लोकतंत्र के बारे में बता दिया मैं। अब लोकतंत्र के बारे में एक और आता है प्रभुत्व आता है, एक और विशेषताएं आती हैं जो कि प्रभुत्व हो गया, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्ष समाजवादी, समाजवादी गणराज्य। तो अब इसके बारे में देख लें तो जो हमारी भारतीय संविधान की विशेषता ये होती है कि इसमें प्रभुत्व या तो यह जो है प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की भी स्थापना करने का कार्य करती है। अगर इसके बारे में देखें बच्चों छात्रों कि जो सेकुलरिज्म है या तो जो सोशलिज्म है, अगर इसके बारे में देखें अब आपको जहन में आती होगी कि धर्म निरपेक्ष क्या होता है। देखें छात्रों तो धर्म निरपेक्ष के विषय में देखें इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं सदी में किया गया। इसको करने वाला श्रेय एक जो है मनोवैज्ञानिक या एक शिक्षा शास्त्री या एक दार्शनिक कह सकते हैं थे जिनका नाम जार जेकब हालिडिक था।
तो जॉर्ज जैकब हॉलडेक ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म से पीछे न रहना, यही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अब देखें तो इसमें जो है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी जो राज्य के, अब इसके बारे में देखें तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो है ये आर्टिकल जो है 42 में, आर्टिकल 42 में जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य की भी स्थापना करने पर ये विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। तो अब ये था जो है, अब ये तो हमारा जो है भारतीय संविधान की हम विशेषताएं के बारे में आप सबके समक्ष बताया। तो जो भारतीय संविधान की विशेषताएं तो मैंने आपको बता दिया, अब हम आपको जो है एक चर्चा करते हैं यहाँ पर। जो ये हमारा मूल अधिकार जो हमारा चालू होता है छात्रों, जो हमारा ये मूल अधिकार चालू होता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जो मूल अधिकार जिनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो हमारा ये 12 से 35 के तहत ये मूल अधिकारों का वर्णन करता है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा 12 है तो क्या है, 12 है तो क्या है। तो 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया है। मूल अधिकार के संदर्भ में क्या राज्य की होती है डिफिनेशन, उसके पर बात करता है। तो राज्य की जो परिभाषा के बाद आगे आता है 12 की बात, फिर 13 आता है। तो ये जो है 12 के अंतर्गत है आर्टिकल, फिर आर्टिकल जो है 13 पर है मूल अधिकारों का असंगत होना। जो 13वां है छात्रों, ये मूल अधिकारों का असंगत हो गया। तो ये आर्टिकल 13 हो गया। तो आर्टिकल 13 के बाद अब आर्टिकल जो है 14 या 14 आता है, जो कि छात्रों या विद के समक्ष समता या समानता पर विशेष रूप से बल देता है। आर्टिकल 14 क्या है, विद के समक्ष समता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। और आर्टिकल जो है 14 के बाद आर्टिकल 15 होता है धर्म मूल वंश जाति के संदर्भ से संबंधित है। धर्म मूल वंश आदि से संबंधित। अब जो मूल अधिकार के अंतर्गत छात्रों बात कहा गया है, अब हम उसके बारे में बता रहे हैं। धर्म मूल वंश आदि से संबंधित हो गया। अब उसके बाद आर्टिकल आता है छात्रों 16 आता है। आर्टिकल जो 16 छात्रों आता है, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। अनुच्छेद जो है 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के संदर्भ में इन्होंने जोड़ा है अपनी डिफिनेशन। तो अब इसके बाद देखिए आर्टिकल जो है 16 के बाद अब आर्टिकल जो है 17 है या 17 कह सकते हैं। तो इसमें अस्पृश्यता या जिनको हम कहते हैं छुआछूत के संदर्भ में बातें कही गई है। अब आर्टिकल जो है 18 है, जो आर्टिकल 18 हमारा उपाधियों के अंत के विषय में बात करता है। अब आर्टिकल 18 के बाद फिर आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 जो कि प्रेस एवं भाषण से संबंधित है छात्रों। तो अब आर्टिकल जो है 19 के बाद
अब आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 दोष सिद्ध अपराधी से संबंधित है। अब इसके बाद आर्टिकल जो है 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संदर्भित है। और 21 के बाद आर्टिकल जो है 21 हो गया, 21 के बाद आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी से संदर्भ या गिरफ्तारी के संदर्भ में फेमस है, या तो जो है गिरफ्तारी से संदर्भित है। तो आर्टिकल जो है 22 अगर देखें तो यहाँ से जो है अगर ये देखें तो हमारा जो है 12 से यहाँ कह सकते हैं जो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक है बोलो। समानता का अधिकार पहले, उसके बाद देखें समानता का अधिकार लोक नियोजन, समानता के बाद जो है अब 18 से 21 जो हमारा होता है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होता है। ठीक ठीक है, अब 21 22 हो गया, उसके बाद जो थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो ये शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार है छात्रों, ये जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल जो है 23 से 24, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से जो है 24 में इसको वर्णित किया गया है, यानी आर्टिकल 23 एवं आर्टिकल उसके बाद जो है इसके पहले ये कौन सा अधिकार आता है बोलो, समानता का, फिर हाँ स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, फिर हाँ पहले स्वतंत्रता का अधिकार, इसके भी जो है ये दूसरा हो गया, इसके भी पहले एक जो है 14 से 18 जो है ये हमारा समानता का अधिकार हो गया, फिर यहाँ पर स्वतंत्रता का जो अधिकार आता है 19 से 22 हो गया, जो समानता का अधिकार है छात्रों 19 से 22 हो गया, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, जो कि अब इसमें जो है आर्टिकल नंबर जो 23 है, तो इसमें जो है किसी जो है दुकान या विक्रेता से संदर्भ में ये बातें कहा गया है आर्टिकल 23। फिर इसके बाद जो है आर्टिकल जो है 24 है, आर्टिकल 24 में ये कहा गया है जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक है इसे किसी फैक्ट्री या कारखाने में लगाना ही एक कानूनी अपराध है। तो ये आर्टिकल जो है 24 जो कि शोषण के ये विरुद्ध अधिकार के विषय में बात करता है, जो कि इसमें दो अनुच्छेद ही प्राय पाए जाते हैं जो 23 एवं 24 है। आप देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद जो आगे आता है हमारा चौथा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब ये 25 से आर्टिकल 25 से 28 में जो है इसको वर्णित किया गया है, आर्टिकल 25 से 28 में जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जो है 25 जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता से संदर्भित है। आर्टिकल 25 क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता से संदर्भ में बातें कहा गया है। फिर आर्टिकल जो 26 है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता पर विशेष रूप से बल देता है छात्रों। अब ये आर्टिकल जो है 27 जो आर्टिकल जो है 27 ये धार्मिक कार्यों में कर से मुक्ति दिलाने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है छात्रों, ये जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। और एक आता है आर्टिकल 28 आता है, जो आर्टिकल 28 है इसके बारे में देख लेते हैं कि आर्टिकल 28 क्या है। अगर आर्टिकल 28 देखें या 28 के एक देखें, राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से किसी सहायता, राजपोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में धर्म मूल वंश जात के आधार पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये था जो है
ये जो बातें कही गई है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो कि 25 से 28 के अंतर्गत ये सारी बातें इसमें कहा गया है। अब देखें धार्मिक जो स्वतंत्रता के अधिकार के बाद अब हम बात करते हैं इसमें शिक्षा एवं संस्कृत। शिक्षा अगला जो है पांचवा है क्या, शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार अब ये आर्टिकल 29 या 29 से जो है 30 आर्टिकल विषय बता दें आपको, ये आर्टिकल 29 एवं जो है 29 से जो है 30 में ये जो है शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी जो है अधिकार के तहत में बात करता है। अब इसके बाद देखें तो इसमें जो है आर्टिकल जो 29 आता है, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, जो आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संदर्भ में विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। अब आर्टिकल जो है 29 के बाद अब बात करते हैं 29 के बाद अब एक आर्टिकल आता है, अब 30 आता है। तो जो आर्टिकल 30 है, अगर आर्टिकल जो है 30 के बारे में देखें तो इसके तहत जो है शिक्षण जो है संस्थाओं की स्थापना करने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। जो हमारा आर्टिकल जो है 30 है वो आर्टिकल जो 30 के तहत जो है शिक्षा एवं संस्कृत या 29-30 जो है शिक्षा और संस्कृत के अधिकार से संदर्भित है। आगे जो इसी क्रम में हमारा जो है एक ये तो 5 हो गया, जो छठा है मूल अधिकार वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।